Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a shell is fired from a cannon with a velocity v at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point in its path, it explodes into two pieces of equal masses. One of the pieces retraces its path to the cannon. The speed of the other piece immediately after the explosion is fine. So देखो इस तरह से हम shell को fired करते हैं. एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से किसी एंगल थीटा पे आप इस शेल को फायर करते हो. सो इसका पाथ क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करेगा और हाईएस्ट पॉइंट पे ये यू नो टू पीसेस में ब्रेक हो जाता है. लेट्स से द मास ऑफ द बुलेट, द मास ऑफ द शेल इज एम. सो दो पार्ट हो जाएंगे इसके, दैट इज एम बाई टू एंड एम बाई टू, समथिंग लाइक दिस. सो इफ आई से व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बुलेट, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बुलेट इज जीरो? ऑफ कोर्स नहीं कह सकता. नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बुलेट इज नॉट इक्वल टू जीरो. देयर इज वन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द शेल, मींस बुलेट कह लो शेल कह लो एक ही बात है. सो कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट? सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द शेल इज नॉट इक्वल टू जीरो. बट इफ आई से व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द शेल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मैं बात करूँ, मीन्स यू नो एम जी कहाँ लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है एक्सटर्नल? नहीं है. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, राइट? वी कैन कंजर्व द मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइन. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली कितना मोमेंटम था इसका, हाईएस्ट पॉइंट पे व्हाट विल बी द वेलोसिटी, v cos theta, राइट? इनिशियली हमने इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट द हाईएस्ट पॉइंट, बाय द वे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स गोइंग टू यू नो रिमेन सेम, दैट इज v cos theta. सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट वॉज m v cos theta, राइट? नाउ फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं. सो फाइनल मोमेंटम के लिए ये जो दो पीसेस हैं इनका मोमेंटम का सम करना होगा. नाउ यहाँ पे दे रखा है कि जो एक पीस है वो अपना पाथ रिट्रेस करता है, मींस आप देखो कब अपना पाथ रिट्रेस करेगा, अगर वन पार्ट जो अपना यू नो पाथ रिट्रेस कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना हो, वी कॉस थीटा इन बैकवर्ड डायरेक्शन. लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. मान लेते हैं ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, मींस इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पीछे की तरफ वी कॉस थीटा. अब देखो यहाँ पे v cos थीटा है, अगर हम प्रोजेक्टाइल पाथ को पूरा कंप्लीट करते तो इस तरह से होता. अब मैं कह रहा हूँ कि अपना पाथ रिट्रेस करना है. अब देखो ये सिमेट्रिक है, हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट, मींस इस लाइन के अबाउट आप देखो ये सिमेट्रिक है, मींस अगर v cos थीटा आगे की तरफ है तो ये वाला पाथ फॉलो होगा, अगर v cos थीटा पीछे की तरफ है तो ये वाला पाथ फॉलो होगा. सो जो m by 2 है उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, v cos थीटा इन द बैकवर्ड, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो उसका मोमेंटम कितना होगा, दैट विल बी m by 2 into v cos theta, but you have to take a minus sign because ये v cos theta कहाँ है, पीछे की तरफ, right? Means momentum is a vector quantity, means velocity के terms में हम लिखते हैं, right? m into velocity लिखना पड़ेगा. So velocity को आप क्या लिखोगे, minus v cos theta. Now जो other part है उसकी velocity हम मान लेते हैं v dash, so plus m by 2 into v dash. So v dash का value निकालना easily, you can easily find out, right? m तो cancel हो रहा है, चेक करो v cos थीटा प्लस v by 2 cos थीटा कितना हो गया, 3 by 2 इंटू cos थीटा, v cos थीटा, राइट? 3 by 2 v cos थीटा, दैट इज इक्वल टू v डैश by 2. सो v डैश इज इक्वल टू 3 v cos थीटा, राइट? सो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो. सो विच ऑप्शन, ऑप्शन ए, राइट? फाइन. बाय द वे अगर मैं कहता हूँ कि क्या हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कर सकते हैं बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम क्या है, ये शेल है ना, इसमें नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स है दैट इज जीरो, नेट एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स. बट वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी है, बट स्टिल यू कैन कंजर्व द मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, यू नो बिफोर कोलिजन एंड बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, मीन्स जब ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, सो जस्ट बिफोर
it breaks into two parts, and just after it breaks into two parts, you can conserve the momentum in vertical direction also. And the reason is that mg force is a non-impulsive force, means उसका जो magnitude है वो काफ़ी कम होता है as compared to the forces which are responsible for the explosion. जो explosive impact वाले forces होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनके compare में we can neglect mg. Means हम ये assume कर सकते हैं कि जो vertical direction है वहाँ पर भी कोई force नहीं लग रहा है, right? Fine. So I think you already know these things. Fine. Let me know if you still have any confusion. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.